हेलो दोस्तों, मैं हूँ एनआई बीएमएस का स्टूडेंट और माय यूट्यूब चैनल मेडिकोअड्डा पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यूपी आईस काउंसलिंग 2020 के जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं और इनका ऑफिशियल शेड्यूल और इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन है वो भी रिलीज कर दी गई है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, फीस स्ट्रक्चर क्या है और कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो आपको चाहिए काउंसलिंग के टाइम पे। ओके दोस्तों, तो इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए गाइस, वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखिए। ओके दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के, वीडियो के एंड तक बने रहे। हेलो दोस्तों, तो जैसे आप देख रहे हो मैं यूपी आईस काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है ugcounseling.ais.up.in। ओके दोस्तों, जैसे ही आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे तो आज इन्होंने जो है इनका ऑफिशियल शेड्यूल और इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन है वो आज इन्होंने रिलीज कर दिया है और आज इनके जो रजिस्ट्रेशन है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। ओके दोस्तों, तो यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप यूपी की आयुष काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो इसमें हम इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या दे रखा है, आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो कितनी है और मॉपअप राउंड्स के जो रूल्स है वो क्या हैं और कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो आपको रिक्वायर होंगे काउंसलिंग के टाइम पर। तो इन्हीं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे हो मैं इनकी जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये आज जो इन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन है वो इन्होंने आज रिलीज कर दी है। ओके दोस्तों, तो इसको आप यूपी के आयुष काउंसलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दे रखी, इसे डाउनलोड करके आप एक बार इसको ज़रूर से देख लेना। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं इसका जो शेड्यूल है उसके बारे में। इनका ये ऑफिशियल शेड्यूल है, इसमें जो फर्स्ट राउंड की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे वो 5/1/2021 से स्टार्ट, मतलब आज से स्टार्ट हो चुके हैं और 12/1/2021 तक होंगे। और मेरिट सूची एवं काउंसलिंग पत्र डाउनलोड की जो तिथि रहेगी वो 14/1/2021 रहेगी। ऑनलाइन आवंटित अभ्यर्थियों के जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन उसकी तिथि रहेगी 18/1/2021 से 23/1/2021 के बीच में। और संस्थाओं द्वारा प्रवेशी छात्रों की सूची प्रकाशित करने की अंतिम तिथि वो 25/1/2021 रहेगी। और सीट अपग्रेडेशन की जो तिथि रहेगी वो रहेगी 27/1/2021। और अपग्रेडेड जो छात्रों को अपग्रेडेड संस्था में प्रवेश की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 29/1/2021 रहेगी। ओके दोस्तों, तो ये है फर्स्ट राउंड। उसके बाद सेकेंड राउंड के जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपको 25/1/2021 से 31/1/2021 के बीच में करना है। और मेरिट सूची एवं काउंसलिंग पत्र डाउनलोड की तिथि रहेगी वो 2/2/2021। और ऑनलाइन आवंटित अभ्यर्थियों के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो तिथि रहेगी वो 5/2/2021 से 9/2/2021 के बीच में रहेगी। और संस्थाओं द्वारा प्रवेशित छात्रों की सूची प्रकाशित करने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 12/2/2021 रहेगी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद में जो है वो मॉपअप राउंड, मॉपअप राउंड की जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो 13/2/2021 से 19/2/2021 के बीच में होंगे। और मेरी सूची एवं काउंसलिंग पत्र डाउनलोड की तिथि रहेगी वो 20/2/2021 रहेगी। और ऑफलाइन ऑन स्पॉट प्रवेश हेतु काउंसलिंग की तिथि 22/2/2021 से 25/2/2021 के बीच में रहेगी। और संस्थाओं द्वारा प्रवेशित छात्रों की सूची प्रकाशित करने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 27/2/2021 रहेगी। ओके दोस्तों, तो ये इनका पूरा ऑफिशियल शेड्यूल है जिसको आप देख सकते हो। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं इनकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो कितनी है। तो इनकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो है 2000। ओके दोस्तों, तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन फीस 2000 जमा करनी है जो कि रिफंडेबल नहीं होगी और ये ऑनलाइन आपको जो है वो जमा करनी है। ओके दोस्तों, उसके बाद देखते हैं आपकी सिक्योरिटी मनी कितनी जमा होगी। तो यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके लिए जो सिक्योरिटी मनी होगी वो 10,000 है एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए जो सिक्योरिटी मनी जमा होगी वो 50,000 होगी। ओके दोस्तों, और ये सिक्योरिटी मनी जो है वो कब रिफंड होगी इसके नियम भी यहाँ पर दे रखे हैं कि जिन छात्रों को कॉलेज में अलॉट हो गया और उन्होंने एडमिशन ले लिया तो उस कॉलेज के द्वारा उनको रिफंड कर दी जाएगी।
और यदि किसी छात्र को अलॉट हुई और उसने एडमिशन नहीं लिया तो उसकी जो सिक्योरिटी मनी है उसको जब्त कर लिया जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ से देख सकते हो आपकी सिक्योरिटी मनी जो है वो कब रिफंड होगी। इसके बाद देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप पहला पॉइंट दे रखा है कि नीट क्वालिफाई होनी चाहिए और आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन किया हो तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो गए। दूसरी, आप यूपी के डोमिसाइल होना चाहिए। और तीसरा, कि जिन स्टूडेंट ने यहाँ पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों कक्षा यहाँ से यूपी से पास किए उनके लिए कोई निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने हाई स्कूल में इंटरमीडिएट परीक्षा से एक यूपी से पास की है उनके लिए जो है वो निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत होगी। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों कक्षाएं जो हैं वो यहाँ से पास नहीं की उन स्टूडेंट के लिए यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र जो है वो अनिवार्य होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। ओके दोस्तों, उसके बाद आपको जो है बायोलॉजी और केमिस्ट्री फिजिक्स से पास आउट होना चाहिए 12th, और आपके जो जनरल कैटेगरी में हो तो आपके जो न्यूनतम अंक होने चाहिए वो 50% होने चाहिए, और जनरल पीएच हो तो 45, और SC ST कैटेगरी हो तो आपके जो है 40% मार्क्स होने चाहिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। उसके बाद में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी दे रखी है, कि जो जनरल कैटेगरी है उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 5/5/1950 से 31/12/2021 के मध्य उनका जन्म हुआ हो, और जो SC ST कैटेगरी उनका 5/5/1990 से 31/12/2003 के मध्य जन्म हुआ हो। तो ये जो है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी दे रखी है कि आप कब। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, इसको भी आप एक बार ज़रूर से देख लेना। ओके दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर रिजर्वेशन दे रखा है, इसको भी आप एक बार ज़रूर से देख लेना। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो मॉपअप राउंड है उसमें कौन कौन से जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल होंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ये काउंसलिंग प्रक्रिया सिक्योरिटी मनी कब रिफंड होगी ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में यहाँ पर अपग्रेड के जो रूल्स हैं वो भी दे रखे हैं, कि अपग्रेड के जो रूल्स हैं वो क्या हैं। ओके दोस्तों, इसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना। अब देखते हैं इसके मॉपअप राउंड के जो हैं वो रूल्स क्या हैं। तो जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसको रजिस्ट्रेशन फीस 2,000 जमा करनी है, और बाकी जो सिक्योरिटी मनी है वो आपको पता है 10,000 जो है वो जमा करनी है। ओके दोस्तों, तो यहाँ से आप देख सकते हो मॉपअप राउंड के लिए क्या दे रखा है। उसके बाद में मॉपअप राउंड में वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जो कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में कोई सीट जो है वो अलॉट नहीं हुई। यदि आपको फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो गई है तो फिर आप जो है वो मॉपअप राउंड के लिए इनएलिजिबल हो जाओगे। ओके दोस्तों, तो एक बार आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले जो है मॉपअप राउंड के रूल जो हैं वो अच्छे से रीड कर लेना, कि आप कब जाके जो है मॉपअप राउंड में एलिजिबल हो गए। ओके दोस्तों, अन्यथा यदि आपने कोई सी भी कॉलेज भर्ती हो और उसमें एडमिशन भी नहीं लेना चाहते हो, आप फिर मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो लेकिन आपको फर्स्ट राउंड में जब सीट अलॉट हो गई तो फिर आप मॉपअप राउंड के लिए जो है वो इनएलिजिबल हो जाओगे। ओके दोस्तों, तो फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में अच्छे से चॉइस फिल करना, वही कॉलेज फिल करना जो आपको लेनी है। ओके दोस्तों, फालतू कॉलेज को फिल मत करना, क्योंकि अगर वो कॉलेज मिल जाएगी तो फिर आप जो है मॉपअप राउंड के लिए भी इनएलिजिबल हो जाओगे, और फर्स्ट और सेकेंड राउंड में सीट अलॉट होगी तो वही सीट आपको लेनी पड़ेगी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर जो अपग्रेड हैं उसके भी रूल दे रखे हैं, उनको भी अच्छी तरह से आप एक बार रीड कर लेना। उसके बाद में कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो आपको चाहिए, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट है वह चाहिए, और मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, और जो SC ST कैटेगरी वाले हैं उनके लिए जो आरक्षण का सर्टिफिकेट वह चाहिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आज की वीडियो में जो है यहाँ तक ही है, क्योंकि अगर इसमें आगे भी हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसके कुछ पॉइंट जो हैं वो छूट गए, तो उन पॉइंट को जो है हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इसलिए गाइस, जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें हम इसके टोटल सीट्स और जो प्राइवेट कॉलेज है उनके फीस और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तो यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इन बेल आइकन को प्रेस करें, और जो नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके उसमें जो है हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बात करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही, और
और यदि इस वीडियो से इस वीडियो में कोई भी यदि इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो थैंक यू एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।